पुराने टूथब्रश और होममेड क्ले से बना डाले ये अनोखा ट्राइबल कपल क्राफ्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से। क्राफ्ट पॉकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कॉर्नफ्लावर है, इसकी जगह आप अरारोट पाउडर ले सकते हैं। दोनों ही ग्रोसरी शॉप पे आराम से मिल जाता है। मैंने 20 रुपये का 250 ग्राम लिया है। जगह के हिसाब से इनमें रेट कम या ज़्यादा हो सकता है। 2 कप कॉर्नफ्लावर लिया है, 2 कप फेविकोल एमर या फिर SH ले सकते हैं। नीले पैकेट वाला गोंद काम नहीं करता। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर बेबी ऑयल, नारियल तेल या फिर सरसों का तेल बिल्कुल ना लें। 2 चम्मच व्हाइट विनेगर या फिर नींबू का रस ले सकते हैं ताकि क्राफ्ट में फंगस ना लगे। 1 चम्मच व्हाइट एक्रेलिक कलर, इन सबको अच्छे तरीके से फेंटे ताकि इनमें एक भी गुठली ना रहे। मैंने पुराना नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है, नहीं है तो नॉर्मल बर्तन भी चलेगा। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसे पकाना है। पकाते वक्त मिश्रण को लगातार चलाते रहे। पहली बार बना रहे हैं तो केवल आधी कप के हिसाब से बनाए, क्योंकि अगर क्ले बन गया तो आपका फायदा ही फायदा, और अगर नहीं बना तो नुकसान कम होगा। थोड़ी देर में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये एक जगह इकट्ठा होने लगे, गैस को तुरंत बंद कर दे। फर्श पे या किचन प्लेटफॉर्म पे पहले से ही रिफाइंड ऑयल या फिर वैसलीन लगाकर रखें। मिश्रण को गर्मा गर्म निकाल कर बस मैश करना शुरू कर दे। जितना मैश करेंगे उतना ही अच्छा डो बनेगा। अगर डो फर्श पे चिपकता है तो थोड़ा सा और ऑयल लगा ले। अगर आपको महसूस हो कि डो ज़्यादा गीला है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट पाउडर मिला ले। अगर लगता है थोड़ा सा हार्ड है तो इसमें फेविकॉल मिला सकते हैं। इस तरह थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो जाएगा। डो का नुकीला भाग सीधा रहता है तो आपका डो बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर झुक जाता है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिलाकर बैलेंस करें। इस क्ले को पॉलीथीन में या फिर जिप लॉक वाले पाउच में रखकर एयर टाइट डब्बे में रख दें। 6 महीने तक ये क्ले खराब नहीं होते। क्राफ्ट करते वक्त जितनी ज़रूरत हो उतना ही क्ले निकाल कर काम करें। 2 पुराना टूथब्रश लें और अगला ब्रश वाला हिस्सा तोड़कर हटा दें। ये पतला तार जो हार्डवेयर शॉप पे मिल जाता है आसानी से मुड़ भी जाता है। इन्हें फोल्ड कर लिया है ताकि क्राफ्ट मजबूत बने। इन तार की लंबाई 4.5 या 5 इंच रख सकते हैं। इन्हें नीचे की तरफ तार से कसकर बांध दें। ये पैर के स्ट्रक्चर का काम करेगा। इसी तरीके से हाथ का स्ट्रक्चर भी बना लें। दोनों सेट पे ये काम करें। ये एमसिल सबसे छोटा पैक 10 रुपये का किसी भी स्टेशनरी या हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाता है। इसमें से 2 पाउच निकलते हैं, दोनों को मिलाकर एक ब्लैक कलर का क्ले बन जाता है। उंगलियों पे टेलकम पाउडर लगाकर तार को एमसिल से फिक्स करें। एमसिल की जगह मोल्डेड क्ले भी ले सकते हैं। घर में पड़ा पुराना 4 या 5 पॉलीथीन इकट्ठा करें। टूथब्रश पे पॉलीथीन लपेट कर स्ट्रक्चर को प्रॉपर शेप दें। इन्हें सेलो टेप से चिपकाकर फिक्स करें। ये काम आप एल्यूमिनियम फॉइल, पुराने अखबार या फिर पुराने कपड़े से भी कर सकते हैं। डो से शीट बना लें। अगर बेलन नहीं है तो हाथों से भी डो को फैलाकर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर पे फेविकोल लगाकर शीट को केवल 1 साइड चिपका लें। इस डो से काम करते वक्त हाथों में ऑयल या फिर मॉइस्चराइजर लगा लें। नहीं है तो टेलकम पाउडर भी लगा सकते हैं। इन्हें हार्ड होने दें और दूसरी तरफ भी ठीक इसी तरीके से चिपकाकर कवर करें। पॉलीथीन से राउंड यानी गोल शेप बनाकर इन्हें भी डो से कवर करें और अंडाकार शेप बनाकर फिर से ड्राई होने दें। बॉडी जो ड्राई हो चुकी है, हाथ वाले तार को मोड़कर मनपसंद एंगल दें। डो से पतले क्वाइल बनाकर तार पे फेविकोल लगाकर हाथ और पैर दोनों पे पहला लेयर करें। थोड़ा शेप ऊंचा नीचा हो तब भी चलेगा, बस तार ढक जाना चाहिए। ये काम दोनों सेट पे करें और फिर से अच्छी तरह सुखा लें। कड़ी धूप में ये 2-3 घंटे में आसानी से ड्राई हो जाता है और छाया में थोड़ा टाइम लगता है। अब कोई भी एक क्राफ्ट उठा लें और प्रॉपर एनाटॉमी यानी बॉडी पार्ट्स की डिटेलिंग करें। पुरुष की बॉडी है तो प्रॉपर शेप को ध्यान में रखकर डिटेलिंग करें। हाथ में अगर डो चिपक जाए तो हाथ को धोकर फिर से काम शुरू करें। इस क्राफ्ट को करते समय हाथ बिल्कुल ड्राई होने चाहिए।
डो से शेप देते वक्त हाथों में रिफाइंड ऑयल या फिर वैसलीन या फिर टेलकम पाउडर का इस्तेमाल करें। इन्हें कंप्लीट कर ड्राई होने दें, फिर दूसरी साइड भी लेयरिंग कर दोनों साइड पे यही तरीका अपनाकर बॉडी शेप को मैक्सिमम कंप्लीट करें। एक तरफ की लेयरिंग कर इन्हें ड्राई होने दें, फिर दूसरी साइड की लेयरिंग करें। दोनों साइड यही तरीका अपनाकर बॉडी शेप को मैक्सिमम कंप्लीट करें। चिकना करने के लिए पानी का इस्तेमाल करें। इस क्ले में अगर 100% डिटेलिंग करते हैं तो ड्राई होने के बाद केवल 80% रह जाता है, यानी 20% सिकुड़ जाता है। कोई भी अनफिनिश एरिया ड्राई होने के बाद बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। इस क्ले से बने क्राफ्ट काफ़ी मजबूत होते हैं, ये एक तरह से लचीले होते हैं, इनमें टूट फूट की संभावना कम होती है। हेड का पहला लेयर ड्राई हो चुका है, अब इसकी डिटेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने डिटेलिंग के लिए ब्रश का पिछला हिस्सा, नेल कटर वगैरह का इस्तेमाल किया है। आपके पास क्ले टूल है तो अच्छी बात है। मैंने इस एक्ट को ज़्यादा स्पीड में नहीं दिखाया है ताकि विजुअल देखकर आप आराम से सीख सकें और प्रैक्टिस भी कर सकें। थोड़े से अभ्यास में ये बनने लग जाते हैं। अगर एक बार में ना बने तो फिर से बनाएं, दोबारा बनाएं और अभ्यास करें। इस तरह के ढेरों बजट वाले क्राफ्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नया क्राफ्ट आप सबसे पहले देख पाएं। पतले तार पे कॉइलिंग कर तीर और धनुष का आकार बना लें और इन्हें ड्राई होने दें। इन्हें बनाने से पहले जिस हाथ में रखना है वहाँ का मेजरमेंट ले लें और उसी के हिसाब से इसकी लंबाई रखें। क्राफ्ट की बॉडी ड्राई हो चुकी है तो पैर की उंगलियाँ और हाथ की उंगलियाँ उन्हें भी बनाकर फेविकोल से चिपका लें और फिर से ड्राई होने दें। ज्वाइंट को पानी से स्मूथ कर लें। उंगलियों के ड्राई होने के बाद गर्दन बनाकर हेड को भी चिपका लें। सेट होने के लिए किसी चीज से सहारा देकर रखें। अब आप लेडी क्राफ्ट के कपड़े की डिटेलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो डिटेलिंग नहीं भी कर सकते हैं। कलर करने के बाद इन्हें ओरिजिनल कपड़े भी पहना सकते हैं। वो कोई भी प्रिंटेड कपड़ा हो सकता है या फिर जूट की रस्सी भी हो सकती है। मोटे वाले ऊन से पैटर्न बनाकर भी पहना सकते हैं, चॉइस आपकी है। पतले कॉइल बनाकर गहने की डिटेलिंग स्टार्ट करें। चिपकाने का सारा काम फेविकोल से करें। गहने का पैटर्न अपनी पसंद से बनाएं। कॉइल चिपकाते वक्त उंगलियों से ज़्यादा दबाव न दें। क्राफ्ट अच्छे से ड्राई हो गया है तो आप कलर की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो ऑयल पेंट या फिर पोस्टर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। कम से कम दो कोट करें। एक कोट को ड्राई होने दें, फिर दूसरा कोट करें। अपने आप शाइनिंग आ जाती है। यहाँ प्रयोग किए गए सभी कलर्स के नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है ये अपने फैमिली मेंबर या अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद से कोई भी शेड ले सकते हैं। क्राफ्ट के कमर पे धागा या फिर टेप चिपका दें। ये फेविक्विक है जो 5 रुपए का मिलता है। इसकी जगह आप फेविकोल SH, फेबीबॉन्ड, एमसील, एरोल्डाइट ले सकते हैं। ये कलर वाले फेदर्स जो स्टेशनरी की दुकान पे 5 से 10 रुपए में आसानी से मिल जाता है। मैंने जितने भी चीज़ें बताई हैं उनमें से कोई भी एक चीज़ हो तो उनसे ये फेदर और लेस यानी कि बॉर्डर चिपका लें। फेदर नहीं है तो आप इन्हें नेचुरल कपड़े भी पहना सकते हैं। CD पे या कोई भी गोल या फिर चौकोर प्लेटफॉर्म के ऊपर क्राफ्ट को फेविक्विक सबसे अच्छा रहेगा एमसील से चिपका लें। प्रॉप्स को भी चिपका लें और अच्छी तरह ड्राई होने दें। क्राफ्ट को ड्राई होने तक किसी चीज़ से सहारा दें ताकि ये फिक्स होकर सेट हो जाए।
क्राफ्ट का भी एक तरफ झुककर सेट हो गया है तो प्लेटफॉर्म के नीचे क्ले लगाकर बैलेंस करें। सीडी या प्लेटफॉर्म को भी मनपसंद कलर कर लें। ये पुरानी राखी वाले धागे से बनाया है, इसे हेड के ऊपर पहना दे। तो दोस्तों, पुराने टूथब्रश और होममेड क्ले से बना ये अनोखा ट्राइबल कपल क्राफ्ट बिल्कुल तैयार है। क्राफ्ट बनाकर समय का सदुपयोग हेल्दी तरीके से करें। इस क्ले में मनपसंद एक्रेलिक कलर मिलाकर ढेरों अलग अलग शेड्स बनाएं और अलग अलग तरह के क्राफ्ट बनाएं। वीडियो को खूब शेयर करें। खुश रहें, सुरक्षित रहें और क्राफ्ट करते रहें। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।